बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पे आने के लिए। मैं प्रेमपाल सिंह, त्रिमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुड़िया विधायक का प्रतिनिधि माननीय श्री हरेराम सिंह जी का आज ये आधिकारिक घोषणा है, क्योंकि हम लोग करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका, हमारे जो पिताजी MLA साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन, इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्र हैं, सोमदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को, और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था, लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए, सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं, उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूंकि किसी कारणवश हम लोगों को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, ये 3 बजे का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है, इसके आधिकारिक घोषणा है। कौन कौन जो पक्ष है जो इस तरह के बार बार आप लोगों को दिक्कत दे रहा है कि नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, क्या नाम है उनका? देखिए, संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं, इसमें किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ ना कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं, कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना है इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती, आप भी जानते, कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूं एक बार, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं, कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं, लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मुझे मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना, वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसको मैं तहे दिल से मैं कहूँगा कि आगे इस तरीके का विचार ना रखा जाए। यह बंगाल की संस्कृति, हमारी जन्म भी यहीं हुई है, हमारी कर्म भी यहीं पर है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं, खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी हैं,
और मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैं अपने हिंदी भाषियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मेरे में कुछ कमी होगी जो मैं आज ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमारे पिताजी को जो 44 साल बाद यहाँ विधायक बनकर आए हैं आप लोग के आशीर्वाद से, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, आगे भी एक ही बात रहेगी कि जिस तरीके से आशीर्वाद आपने बनाए रखा है आप लोग अपने मन में ठेस ना पहुँचाएँ। कार्यक्रम होती रहेगी लेकिन कार्यक्रम लेकर हम लोग किसी समाज के बारे में, अगर कोई संगठन के बारे में हम लोग इस तरीके की बात करेंगे ये उचित नहीं है। मैं सबसे अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें, और हिंदी भाषियों से खास करके कहूँगा, आज अपील करूँगा कि आप लोग भी आज के बाद इस विचार में, इस बारे में कहीं भी कोई सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई प्रेस वार्ता हो, कभी भी कहीं कोई कोई न्यूज़ चैनल हो, किसी भी कमेंट्स में ना जाएं, किसी के साथ आप उलझन में ना रहें, किसी को आप जवाब ना दें। आप लोग दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहिए। हमारी नेत्री की नज़र आप लोगों पर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा सब वो बैठ कर अपने देखने में देख रही हैं। तो आप लोग जैसे हमको आशीर्वाद दे कर रखें, आज तक हमारे सारे हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको लेकर कोई विचार ना प्रकट करें। आज से कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना किसी को आपको जवाब देना है। जिस तरीके शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंगाल में रह रहे हैं, मैं अपील करूँगा कि आगे भी इसी तरीके सौहार्द आप लोग बनाए रखें। आप लोग हमारी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। यही मेरा बोलना उचित है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, होती है किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अगर आगे भी जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।